Okay, so we were doing functions of SEBI. So I told you there are three categories that you have to learn: regulatory functions, development functions, and protective functions. No, Chavi, it's not uploaded yet. So regulatory functions हमने कर लिए थे. Let us quickly revise it. आपको learn करने थे वैसे घर से. You had to learn these functions. So registration of brokers and sub-brokers, registration of mutual fund schemes, then regulation of brokers and all the players who are involved in the securities market, regulation of takeover bids by companies, calling for information if you want to undertake any audit or inspection, levying fee or other charges, and performing such powers or performing such duties which the Government of India has delegated as per the Securities Contract Regulation Act 1956. Bataiye, yaad hai aapko last class? Okay, now we will talk about development functions. Ye next category aa gayi hai. Development functions. तो इसमें बेसिकली सेबी कोशिश करती है कि जितने भी लोग हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, स्पेशली द इंटरमीडियरीज जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए. अगर वो ट्रेन्ड होंगे तो वो आगे भी अच्छे से काम कर पाएंगे. सो उनकी डेवलपमेंट हो, सो दैट सिक्योरिटीज मार्केट की डेवलपमेंट हो. तो डेवलपमेंट फंक्शन में SEBI wants to train the intermediaries. जैसे time to time वो कोई seminar conduct करवाएगा या कोई training programs organize करवाएगा for the brokers and sub brokers. So that would be the development function. So very simple, training of intermediaries. Training of intermediaries of the securities market. उनको ट्रेन करो, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके कोई डाउट्स हैं वो क्लियर करो. सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. उसके बाद बेसिकली डेवलपमेंट में भी जैसे मैंने बोला कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी नॉलेज बढ़ाओ ताकि सिक्योरिटीज मार्केट भी ग्रो कर सके. तो अगर कोई आपको रिसर्च करनी है, जैसे सेबी कोई रिसर्च करवा रहा है सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर, सो रिसर्च कराओ. और अगर जो भी रिसर्च से आपने डिस्कवर किया है उसको पब्लिश करवाओ, सो दैट पीपल कैन रीड इट. सो दैट इज अनदर डेवलपमेंट फंक्शन. कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स. हम यही चाहते हैं कि जो लोग भी सिक्योरिटीज मार्केट का हिस्सा है, पार्ट है, उनकी नॉलेज बढ़े, उनको सभी इंफॉर्मेशन मिल पाए सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड. सो SEBI will conduct some research and जो भी उस research का result होगा उसको वो publish करेगा so that people can read it and learn from it. So conducting research and publishing information useful to all market participants. Useful to all market participants. कितने पेजेस लीव करने हैं लास्ट क्लास के लिए? इफ अ स्टूडेंट हैज मिस्ड लास्ट क्लास बता दीजिए. टू टू थ्री पेजेस, सो यू कैन लीव थ्री पेजेस छवि. So we are talking about the development functions of SEBI. इसमें आप intermediaries को या जो भी लोग involved हैं securities market में, आप चाहते हैं उनकी knowledge बढ़े, वो train हो पाए. तो इसके लिए you are giving training to intermediaries. जैसे मैंने बोला, कोई आप training program organize करवा रहे हो, कोई seminar conduct करवा रहे हो, so as to train them. और कोई research conduct करा रहे हो, suppose जैसे 92 का जो scam हुआ था उसको लेके अब आप कोई research करवा रहे हो कि exactly क्या हुआ था, what were the facts and figures. SEBI
रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं एंड वो पब्लिश भी कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को सो दैट एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम इट. ओके थर्ड, बस ये तो बहुत ही जनरल सा पॉइंट है कि ओवरऑल सेबी कोशिश करेगा कि हमारी कंट्री में कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ हो. कैपिटल मार्केट यानी मोर एंड मोर पीपल शुड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, मोर एंड मोर कंपनीज शुड कम एंड इशू शेयर्स. तो ओवरऑल सेबी का टारगेट यही है कि कैपिटल मार्केट की ग्रोथ हो. दैट इज अ जनरल पॉइंट हियर. सो अंडरटेकिंग मेजर्स टू डिवेलप द कैपिटल मार्केट्स, टू डिवेलप द कैपिटल मार्केट्स बाय अडैप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच. फ्लेक्सिबल अप्रोच का यहाँ पे मतलब हो गया कि सेबी को ज्यादा रिजिड नहीं होना है. कोई भी बॉडी अगर रिजिड होती है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाती. फ्लेक्सिबल रहना है. जैसे अगर लोग आपको कोई सजेशंस दे रहे हैं, कोई मेल्स लिख रहे हैं, कोई कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो आप उनको भी देखो. तो बी फ्लेक्सिबल बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच. सिंपल सा पॉइंट है, जनरल सा पॉइंट है. सो दीज आर द थ्री डेवलपमेंट फंक्शंस दैट यू हैव टू लर्न. लास्ट क्लास में हमने किए थे रेगुलेटरी फंक्शंस. अभी लर्न करो इसको. ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपिंग द कैपिटल मार्केट्स. DRT जैसे यू कैन मेक एनी निमोनिक एज यू लाइक. डिवेलप द कैपिटल मार्केट्स. डी आर इज रिसर्च एंड टी इज ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज. बताइए, बात समझ में आती है? ओके, साथ साथ इसे लर्न करते जाओ बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड ये थोड़ा थियोरेटिकल है क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन किस में है. ओके, देन द लास्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस. इसमें प्रोटेक्टिव फंक्शंस में सेबी जनरली बात करता है भोले भाले इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की. हम लोग जो हैं भोले भाले इन्वेस्टर्स, द पब्लिक, इनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है कि इनके साथ कोई फ्रॉड ना हो. सो दैट इज प्रोटेक्टिव. नाम से भी पता लग रहा है ना, प्रोटेक्टिव फंक्शंस. तो अगर सभी को पता लगा कोई कंपनी गलत कर रही है, मैन्युपुलेशन कर रही है, कोई भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी हो रही है, तो सेबी उसको पकड़ सकता है. और ऑफ कोर्स उसके लिए फिर पनिशमेंट भी होगी, पीनल प्रोविजंस भी होंगे. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेबी मना करता है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशंस, प्राइस रिगिंग एटसेट्रा. मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ, जैसे आपको पता है व्हेन एवर कंपनी हैज टू इशू शेयर्स, तो जैसे एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी अपने बारे में बताती है, अपने पिछले कुछ सालों के बारे में बताती है. अगर वो कंपनी झूठ लिखने लगे कि हम तो इतनी अच्छी कंपनी है, हमने इतने डिविडेंड्स दिए पिछले सालों में, हमारे इतने प्रॉफिट्स हैं, इफ दिस इज नॉट करेक्ट, इफ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये एक यू कैन से दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी. तो सेबी प्रोहिबिट करता है आप कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मेक करेंगे इन योर प्रोस्पेक्टस, कोई मैन्युपुलेशंस नहीं करेंगे, प्राइस को ऊपर नीचे ऐसे नहीं करेंगे. प्राइस रिगिंग, प्राइस रिगिंग इज लाइक जानबूझ के प्राइस को ऊपर नीचे करना. जैसे आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग. होर्डिंग में क्या होता है, आप बहुत सारे गुड्स खरीद लेते हो, मार्केट में से बहुत सारे गुड्स खरीद लेते हो, और उससे क्या होता है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है उस प्रोडक्ट की. अब सप्लाई कम हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, डिमांड तो उतनी है जितनी पहले थी, तो प्राइस विल राइज. राइट मनप्रीत.
करेक्ट। और उस टाइम पे फिर आप वो जो आपने होल्ड किया था उसको आप सेल करोगे जब प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये आपकी मैन्युपुलेशन है, दिस इज प्राइस रिगिंग। आपको ऐसा नहीं करना। मान लो कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज के पास तो इतने पैसे हैं, उनके मार्केट में इतने सारे शेयर्स हैं, उन्होंने अपने लोगों को ही लगा दिया कि तुम बहुत सारे शेयर्स खरीद लो, जिससे उन शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बहुत सारे खरीद लो, फिर जब प्राइस बढ़ जाएगा ना फिर बेच देंगे। दिस इज मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग। आप प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, दिस इज फ्रॉड्यूलेंट। तो सेबी कहता है ये सारी एक्टिविटीज अनफेयर है, फ्रॉड्यूलेंट है, इलीगल है। अगेन द मोटिव इज टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट इन्वेस्टर्स। तो दैट इज द फर्स्ट वन, प्रोहिबिशन। ऑफ फ्रॉड्यूलेंट फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, आपने प्रोस्पेक्टस में गलत चीजें लिखी हैं जो सही नहीं है, ट्रू नहीं है। मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, फ्रॉड्यूलेंट, पहले फ्रॉड लिखना है फिर ड्यूलेंट। मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग, प्राइस के साथ आप गलत इंटेंशन के साथ यू आर चीटिंग एंड चेंजिंग द प्राइस। ओके, ठीक है, सिंपल ही है पॉइंट, वी कैन मेमोराइज इट। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देर इज अ वर्ड कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। देर इज अ वर्ड कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। यहां तक लिख लिया? यस मैम। सो कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पे पेनल्टीज लगाना भी सेबी का एक राइट है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, आई हैव टू टेल यू, एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस controlling insider trading and imposing penalties for such practices. ओके, अब देखो जी, सपोज एक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए हुए हैं, इनके शेयर्स हैं मार्केट में, लोगों के पास है, ठीक है। नाउ इस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपको नहीं लगता उनको तो कंपनी की हर छोटी बड़ी मूव के बारे में पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है कंपनी में? दे नो इट बिकॉज दे आर द टॉप एग्जीक्यूटिव्स। कोई भी ऐसी बात जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता अबाउट दिस कंपनी, दे नो इट, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कंपनी का किसी एक मतलब ये कंपनी किसी एक कंपनी को टेक ओवर करने वाली है। एक कोई छोटी कंपनी है,
उसको टेक ओवर करने वाली है, पर ये एक अच्छी बात है, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी। पर ये बात अभी तक आपने पब्लिक नहीं की, किसी को नहीं पता बाहर कि ये कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर करने वाली है। डू यू थिंक इनको तो पहले ही पता लग जाता होगा, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को? ऑब्वियसली उन्हीं को तो सारी डील्स वगैरह करनी है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, उनको पता है जब ये न्यूज पब्लिक में जाएगी कि हम एक कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं, तो हमारे शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? इंक्रीज इंक्रीज, क्योंकि सब लोगों को, मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज है रिलेटेड टू आर कंपनी, तो सभी लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे, हमारे शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस भी बढ़ जाएगा। ये इनको पहले से ही पता है कि ऐसा होगा। तो ये क्या करें, अगर ये पहले ही बहुत सारे शेयर्स मार्केट से खरीद के बैठ जाएं, और फिर इनको पता है जब ये न्यूज पब्लिक होगी तब इन हमारे शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा और फिर हम सेल कर देंगे। तो पहले ही इन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, और जब ये न्यूज मार्केट में आई, शेयर का प्राइस बढ़ा, तब इन्होंने सेल कर दिया। डू यू थिंक ऐसा होता होगा? यस, दिस इज शायद पॉसिबल, बट डू यू थिंक दिस इज फेयर फॉर अस, जो ये भोले भाले इन्वेस्टर्स हैं, इनको, क्योंकि दे डोंट नो दिस इंफॉर्मेशन, इनके साथ डू यू थिंक गलत हो रहा है? इन बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू सम इंफॉर्मेशन जो इनके पास है। तो यस, इसको गलत कहा जाता है, दिस इज नॉट अ लीगल एक्टिविटी। आपको लग सकता है कि नहीं, इसमें क्या है, वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको तो हक है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज अ चीटिंग टू दीज पीपल जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लाइक दीज, आपको पता है, तो आप इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के उनका नुकसान करवा रहे हो। दिस इज नॉट अलाउड। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये एक इलीगल एक्टिविटी है। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी मेक यूज ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपना बहुत करोड़ों में प्रॉफिट बना सकते हैं थोड़े ही समय में। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज बाहर आने वाली है, तो इनको तो पता ही है, अगर नेगेटिव न्यूज, मान लो ये कंपनी लॉसेस में जा रही है, और हो सकता है ये कंपनी अपना कोई पार्ट सेल कर दे, तो ये एक नेगेटिव न्यूज है कंपनी के बारे में, और इनको पहले ही पता है, तो ये अकॉर्डिंगली इनके पास जो शेयर्स है वो पहले ही बेच दे। दे कैन मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल टू नॉर्मल पीपल लाइक अस, बट दिस इज अ चीटिंग टू दीज पीपल। इसलिए ये एक इलीगल एक्टिविटी है, इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर कोई ये करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको होगी पेनल्टीज, इवन इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, जेल तक हो सकती है। बट अब आप कहोगे इसको पकड़ेंगे कैसे? हाउ डू वी गेट टू नो दिस? ये मुश्किल काम है, इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। बट यस, फिर भी देर आर वेज इन विच यू कैन कैच इट। फॉर एग्जाम्पल, सेबी को सस्पिशन हो रहा है इस कंपनी पे। सेबी ने ऑडिट कंडक्ट करवाई, इंक्वायरी करवाई, और उसने देखा जैसे ही टेक ओवर की इंफॉर्मेशन बाहर आई, जैसे ही टेक ओवर की इंफॉर्मेशन पब्लिक में आई, वैसे ही इस कंपनी के कुछ लोगों ने बहुत सारे शेयर सेल कर दिए। और फिर उन्होंने ऑडिट में देखा कि कुछ टाइम पहले ही उन्होंने बाय भी किए थे। डू यू थिंक इट कैन लीड टू सस्पिशन? जैसे ये न्यूज बाहर आई, कुछ डायरेक्टर्स या टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी के काफी सारे शेयर सेल किए हैं, और कुछ टाइम पहले ही बाय भी किए थे। दिस कैन रेज सस्पिशन, एंड देन बहुत सारी और इंक्वायरीज के थ्रू पता लग सकता है कि हाँ, यहाँ पे इनकी गलत इंटेंशन थी, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी,
एंड सेबी कैन इम्पोज पेनल्टीज फॉर इट. बताइए, बात समझ में आती है? यस जय. ओके, वैसे तो बस आपको इतना ही लर्न करना है, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर इट. बट अपनी नॉलेज के लिए आप इनसाइडर ट्रेडिंग की भी डेफिनेशन लिख लो. और अच्छा, डायरेक्टर्स भी बहुत क्लेवर हैं, उनको पता है हम तो पकड़े जाएंगे क्योंकि हमारी तो ऑडिट हो जाएगी, पता लग जाएगा. तो वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के नाम पे खरीद लेते हैं, उनको कह देते हैं कि तुम खरीद लो, बाद में हम प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे. ऑब्वियसली पीपल आर वेरी क्लेवर एज वेल. ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ अ कंपनीज स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स, अब ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा टॉप एग्जीक्यूटिव्स ओनली, क्योंकि वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं. बाय इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो किसी और के पास नहीं है अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वो आपके पास है. और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप शेयर्स खरीद या बेच रहे हो सो एज टू मेक प्रॉफिट व्हेन दिस इंफॉर्मेशन गोज पब्लिक. एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी. ओके, स्टार्टिंग से कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस. Got it, Vishay? All right. This was the second point. Now, third point is very simple. Undertaking steps for investor protection. जो भी सेबी से हो सकता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेगा, चाहे उनको एजुकेट करने की बात हो, कोई सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे हैं जहां पे वो इन्वेस्टर्स को एडुकेट कर रहे हैं, नॉलेजेबल बना रहे हैं, या फिर अगर इन्वेस्टर्स कोई कंप्लेंट्स कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, कोई उनका ग्रीवियंस है वो भी कोशिश करे सेबी रिजॉल्व करने की. तो सेबी हर कोशिश करेगा इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की. सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, अंडरटेकिंग स्टेप्स. वो इन्वेस्टर्स को ईमेल्स भेजेगा कि अच्छा, इस तरह से आपको कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए, यू शुड बी अवेयर, यू शुड रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, दैट्स इट. दिस इज द थर्ड पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशंस एंड प्राइस रिगिंग. सेकेंड वॉज कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर इट. थर्ड, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. लास्ट,
तो सेबी एक कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जितने भी लोग हैं सिक्योरिटीज मार्केट में उन्हें कैसे बिहेव करना है, दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट। सो प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट बड़ा ही जनरल सा पॉइंट है। वो हमेशा प्रमोट करेगा कि सभी लोग फेयर तरीके से काम करें और एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सब लोगों के लिए बिहेव करने के लिए। अगर वो इसको फॉलो नहीं करेंगे तो देन देयर कैन बी एक्शंस टेकन फॉर इट। तो बड़े ही जनरल सा पॉइंट है, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। दिस वाज द लास्ट। एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। Yes, which is written till here. चलिए अब मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा फंक्शन है सेबी का। एवरीवन गेट अटेंटिव नाउ। आई एम रीडिंग अ सेंटेंस, यू हैव टू टेल मी विच फंक्शन ऑफ सेबी इज इट। आर यू रेडी? चलो। सेबी रिसेंटली कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशूड अ शो कॉज नोटिस टू एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स 14 ऑफिशियल्स सीकिंग एक्सप्लेनेशन फॉर ऑन द प्रेफरेंशियल एक्सेस एलिगेशंस एट द एक्सचेंज को लोकेशन फैसिलिटी। देखो इतना डिटेल में समझ नहीं भी आ रहा है तो भी यू कैन गिव द आंसर। आई रिपीट। करेक्ट पलक, करेक्ट मनप्रीत। सेबी रिसेंटली कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशूड अ शो कॉज नोटिस टू एनएससी एंड इट्स 14 ऑफिशियल्स सीकिंग एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रेफरेंशियल एक्सेस एलिगेशंस एट द एक्सचेंज को लोकेशन फैसिलिटी। करेक्ट जय, करेक्ट कशिश, करेक्ट लावण्या, करेक्ट भव्या। गुड, दिस इज रेगुलेटरी फंक्शन बिकॉज यू कॉलिंग इंफॉर्मेशन। शो शो कॉज नोटिस पता है क्या होता है? एक्चुअली दिस इज अ वर्ड। शो कॉज नोटिस होता है गिव अस अ रीजन, टेल अस व्हाई इट हैपेंड। इसको हिंदी में, अगर कभी हिंदी में न्यूज आप देखते हो कई बार ऐसे आता है, कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस, व्हाई इट हैपेंड गिव अस एन एक्सप्लेनेशन। एंड इफ वी आर नॉट, इफ वी डू नॉट अग्री विद योर एक्सप्लेनेशन, फिर हम और आगे ऑडिट या इंक्वायरी करवाएंगे। सो अभी यू आर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड यू हैव इशूड अ शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस दैट व्हाई इट हैपेंड। दिस इज द रेगुलेटरी फंक्शन बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, राइट?
यस विशे ओके नाउ दिस इज द क्वेश्चन दिस केम इन योर सैम्पल पेपर 2017 यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन लेट अस रीड एबीसी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स फॉर 500 क्रोर्स इन 2008 द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 20 टाइम्स द कंपनी इशूड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो डेटा बेसिस लेटर सेबी इंस्पेक्टेड द प्रोस्पेक्टस एंड फाउंड सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन इट SEBI imposed a penalty of 5 crore and banned its three executive directors for dealing in securities market for 3 years. Which function? Correct, Manpreet. Correct, Palak. Correct, no, not correct, Ishika. Check. Correct, Chavi. Correct, Jay. Correct, Bhavya. करेक्ट कशिश सो दिस इज प्रोटेक्टिव फंक्शन मिसलीडिंग स्टेटमेंट के लिए पेनल्टी लगा रहे हैं आप अभी हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सो प्रोटेक्टिव फंक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड और उसमें से कह रहे कौन सा टाइप बताओ जैसे टाइप में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े ना प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इनसाइडर ट्रेडिंग टेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट तो उसमें से ये है द फर्स्ट पॉइंट दैट वी स्टडीड प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेक्ट भाव्य करेक्ट इशिका बताइए बात समझ में आ रही है तो इस तरह से भी आपका 2 मार्क्स का बन सकता है कि आप एक इसका टाइप बताएं एंड विच कैटेगरी इज इट Okay, then let me ask you more questions. Let's say this is for 2 marks. ये case study 2 marks के लिए है क्योंकि इसमें आपसे 2 functions पूछे हैं that were performed by SEBI in the above case. ठीक है everyone be attentive and you have to give me the answer in the same message. अलग अलग message में नहीं एक ही message में आप मुझे दोनों answers लिख के बताएंगे Mr. Sanjay Nehra was the chairman of Tarun Bank. The bank was earning good profits. Shareholders were happy as the bank was paying regular dividends. The market price of their shares was also steadily rising. The bank was about to announce taking over the Veena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew. Okay, they are planning to take over Veena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew that the share price of Tarun Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to invest 5 crore in shares of his bank, promising him the capital gains. As expected, the share prices went up by 40% and the market price of Sudhir's shares was now 7 crore. Itne zyada usne shares khareed liye friend ne. He earned a profit of 2 crores. He gave 1 crore to Mr. Sanjay Nehra and kept 1 crore with himself. On regular inspection and by conducting inquiries of the brokers involved, the SEBI was allowed to detect this irregularity. SEBI imposed a heavy penalty on Mr. Sanjay Nehra. 2 functions. Correct, Bhavya. Correct, Manpreet. करेक्ट वंशिका करेक्ट लावण्य करेक्ट इशिका करेक्ट जय राइट सो रेगुलेटरी फंक्शन करेक्ट कशिश बिकॉज यू आर कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन एंड प्रोटेक्टिव क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का केस था और उसके लिए सेबी ने फिर पेनल्टीज इम्पोज की है तो हमने पढ़ा था ना कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर इट तो 2 इसमें फंक्शन है हमारे रेगुलेटरी फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन इज दैट क्लियर टू यू ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस अब प्रोसेस क्या है ये तो केस स्टडी पढ़ के ही पता लगेगा ऑल्सो गिव 2 रीजंस टू सुप्रिया व्हाई डीलिंग विद शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म हैज बीन स्टॉप्ड ये तो आप मुझे बता सकते हैं
As I told you earlier, shares used to be in physical form, but now they are in electronic form. तो physical form में क्या problem थी? Correct, Manpreet. Theft का chance था, a lot of paperwork, then forged transfers, delay in transfers, a lot of problems were there with the physical form shares. Correct, Kashish. So the second answer I think you all can give very easily. Theft, forged transfers, delays in transfers, paperwork, right? Ab process dekhte hain. Correct, Manpreet. Supriya's grandmother, who was unwell, called her and gave her a gift packet. Supriya opened the packet and saw many crumpled share certificates inside. Her grandmother told her that they had been left behind by her late grandfather. As no trading is now done in physical form, Supriya wants to know the process by which, by adopting which, she is in a position to deal with these securities. You have to give the name of the process. Correct, Manpreet. Correct, Palak. Everyone. Name of the process. Correct, Kashish. Correct, Vanshika. Everyone. The process of converting shares from physical form to electronic form. What is it called? Correct, Ishika. Correct, Chavi. Correct, Lavanya. Jay Bhavya, where are your answers? Manish. Dematerialization. Dematerialization. Next, this is the question. Reshma's father has gifted her the shares of a large cement company with which he had been working. The securities were in physical form. She already has a bank account and does not possess any other forms of securities. She wished to sell the shares and approached a registered broker for the purpose. Mention one mandatory detail which she will have to provide with the broker. Correct, Manpreet. Correct, Palak. Correct, Ishika. Correct, Jay. Mandatory detail. Correct, Kashish. Correct, Vanshika. Good. Permanent account number. PAN. That is a mandatory detail. Okay. Ab mujhe batao, there is an instrument of money market जिसका जो की स्टेटमेंट है वो ये है, इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज. इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? करेक्ट इशिका. करेक्ट कशिश. करेक्ट मनप्रीत. इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग. करेक्ट जय. करेक्ट मनप्रीत. Correct, Chavi. Correct, Palak. Issued by large and creditworthy companies as an alternative to bank borrowing. Correct, Bhavya. Commercial paper. There are five instruments of money market. You know that? Treasury bill, commercial paper, call money, certificate of deposit, commercial bill. Please revise. So tomorrow will be the last class of this chapter, Vishay. मुझे वैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी करवाने हैं, जो कि अगेन थोड़े थियोरेटिकल से ही हैं, और मुझे बस इधर उधर से जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, वी हैव टू कवर दोज एंड वी बी डन विद दिस चैप्टर.